सरकार ने विधवा पेंशन योजना बनाई है ताकि विधवा महिलाओं का भरण पोषण हो सके, परंतु बहुत अफसोस की बात है कि सिद्धार्थनगर जनपद के डुमरियागंज ब्लॉक के बायताल गांव निवासी विद्यावती सहित 10 महिलाओं का पिछले 1.5 साल से विधवा पेंशन रुक जाने के कारण उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपके पति गुजर चुके हैं? हाँ, 15 साल हो गए। तो आपके पति के गुजर जाने के बाद किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? अब सामना विधवा बना रहा, प्रधान के लगे गए बनवाए दिन ना, और 1.5 साल हो गए तो मिलते नहीं है। तो विधवा पेंशन ना मिलने से आपको का का दिक्कत होता है? अब कुल चीज़ के परेशानी है, आ नून तेल हल्दी मिर्चा नहीं है, नहीं मेहनत मजूरी लागी तो कहाँ से मिली। मेरे पति के मेरे एक्सपायर भए, 15 साल हो गए। आपके पति के गुजर जाने के बाद किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत परेशानी भरा पड़ा है साहब, कौन कौन परेशानी बताए कि कितना परेशानी है मेरे ऊपर गुजर गए। आपका विधवा पेंशन बना है? बना रहा, 1.5 साल हो गए, मिलते नहीं है पैसा है। वो मिल जाता रहा तो नून तेल वही से घुसुक जाता रहा, साग सब्जी चल जाता रहा। हमारे पति जो है 12 साल है मेरे। विधवा पेंशन न मिलने से क्या क्या परेशानी हो रही है? हमें बहुत परेशानी हो गई, हमें खुद दवाई की परेशानी हो गई, अब से जो मैंने साग सब्जी और जो कुछ है तो परेशानी हो गए, सबसे करिए तो दवा बहुत हो गई परेशानी। आपका विधवा पेंशन बना है? हमारा बना रहा, कट ही गए, कटे 1.5 साल हो गए। तो आपने कोई प्रयास ना किया कि 1.5 साल के अंदर आपको फिर मिलने लगे? नहीं, जो है प्रधान लोग नहीं सुना था, प्रधान लोग से कहें तो वही लोग नहीं निगरानी कही। मैं और मेरा समुदाय चाहता है कि विधवा महिलाओं का पेंशन मिले जिससे इनकी समस्या दूर हो सके। आप सभी वीडियो देखने वाले दर्शकों से हमारा अपील है कि आप लोग सिद्धार्थनगर जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी जिनका मोबाइल नंबर है 8765-77-74-62 पर कॉल कर दबाव बनाएं। मैं ब्रह्मजीत, सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।